Hey guys, welcome back to my YouTube channel Fashion Mix Fashionable. Friends, आज के वीडियो में लेके आई हूँ स्वेटर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस. अगर आपको नीटिंग आती है तो आप इसे देख के अपने लिए बना सकते हो जो डिज़ाइन आपको पसंद आए. अगर आपको नीटिंग नहीं आती है तो बाहर में बहुत लोग इस तरह के वर्क करते हैं, आप उसे दिखा के भी अपने लिए बना सकते हो. जो डिज़ाइन आपको पसंद आए आप उसका स्क्रीन शॉट ले लें और उसे दिखाएं और वो बना देगा. या फिर आप कोई पुराना स्वेटर पहन के बोर हो चुके हैं और वो डिज़ाइन पुराना हो चुका है तो आप उसके स्लीव्स में जो है इस तरह के जो है पल्स भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप देख रहे हो उसमें जो है कुछ बड़े पल्स के यूज़ किए हैं, कुछ छोटे भी पल्स हैं स्लीव्स हैं और स्लीव्स में, और उसके जो है नेक में यूज़ किया गया है और इसमें जो है फुल स्वेटर में यूज़ किया है. आप चाहें भी तो इस तरह से बना सकते हैं. या फिर आप जो है स्लीव्स में जो है इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. या फिर अगर आप पुराने स्वेटर में अगर कुछ और चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस तरह के जो है उसके नेक में भी जो कुछ बदलाव कर सकते हैं या स्लीव्स में इलास्टिक लगा के या फिर और अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं. या फिर आपके पास जो कुछ लंबे स्वेटर है तो आप उसे भी, अगर डिज़ाइन पुराना हो गया है तो आप उसे भी एक नया लुक दे सकते हैं. फ्रेंड्स, इस तरह के जो स्वेटर्स हैं आप आराम से बना सकते हो उसे घर पर ही. या फिर आप चाहें तो इस तरह के लॉन्ग स्वेटर्स भी बना सकते हो जो सर्क स्टाइल में आता है. फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. उससे पहले कि अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. जिसको नीटिंग आती है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इसे देख करके अपने लिए बना सके. आप इससे कलर कंट्रास्ट का भी आइडिया ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूनिक कलर्स हैं. थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए.